हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करोगे। आज मैं आपको सिखाता हूँ एक और केमिकल इक्वेशन, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारी प्रॉब्लम दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS एंड RHS में डिवाइड कीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप की बात करूँ तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको नोट कीजिए। आयरन दे रखा, ऑक्सीजन दे रखा, सेम आप इधर भी कीजिए, आयरन दे रखा, ऑक्सीजन दे रखा। क्लियर? आप क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स रखे उनके नंबर जरूर नोट कीजिए, कितने यहाँ पर नंबर के हैं। वो आयरन दे रखा है, ओनली वन दे रखा है, ऑक्सीजन बात करो टू एंड वन इक्वल टू थ्री दे रखा है। सेम वर्क इधर भी कीजिए, आयरन दे रखा है टू दे रखा, ऑक्सीजन बात करो यहाँ पर दे रखा थ्री दे रखा है। क्लियर? आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे यहाँ पर कि दोनों साइड के नंबर्स को चेक कीजिए। आयरन यहाँ पर वन है बट यहाँ पर टू है, यहाँ पर ऑप्शन थ्री है, यहाँ पर थ्री है। तो फिलहाल ऑप्शन तो बैलेंस है बट हमारे क्या आयरन हमारे डिफरेंस है, तो आयरन को हमें बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये टू हो जाएगा। अब ये टू कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब जब ये टू किया तो आयरन तो हमारा टू हो गया बट क्या ऑक्सीजन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, येस ऑफकोर्स पड़ेगा। तो क्या होगा, ये टू हो गया, टू प्लस टू स्क्वल टू कितने हो गए हमारे, फोर हो गए। बट देखिए यहाँ पर थ्री रखा है, यहाँ फोर रखा है, तो डिफरेंस ऑक्सीजन में भी आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये तो सिक्स हो गया हमारा। अब ये कितना हो गया हमारा, फोर हो गया। आप क्या करेंगे, अब देखिए अब बहुत अच्छी रिएक्शन सीखने के लिए, पहले किया तो कुछ अलग आ रहा था, अब करें तो क्या हो गया, हमारे आयरन और बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोर डालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर फोर का मल्टीप्लाई करा देंगे। आप देखिए यहाँ पर फोर का मल्टीप्लाई करने क्या हो गया हमारा, वन मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू फोर हो जाएगा। तो ये फोर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, फोर प्लस का टू, टोटल कितना हो गया हमारा, सिक्स हो गया। अब हमारी क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये बहुत अच्छी थी सीखने के लिए, बहुत अच्छी थी, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल रिक्वेस्ट कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।